अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ तहारी, स्पेशल तहारी। इसमें गोश्त और वेजिटेबल के साथ इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनने वाली है। इसके लिए मैं ली हूँ आधा किलो गोश्त, इसको धो के रख ली। और इसके लिए मैं चावल ली हूँ पौन किलो। चाहे तो आप गोश्त की क्वान्टिटी को बढ़ा सकते। उमूमन गोश्त जितना रहता चावल भी उतना लेते, लेकिन हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होता गोश्त, इसलिए मैं आधा किलो ली। चावल पौन किलो लिए था, आप गोश्त भी पौन किलो लेना, या कम बढ़ के आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दही है पौ किलो, इसको फेंट के रख ली। और वेजिटेबल में मैं ली हूँ दो मीडियम साइज के आलू कट कर ली, और दो बड़े साइज के गाजर को मोटा मोटा कट कर ली। ये तीन मीडियम साइज के प्याज है, इसको भी काट के रख ली। और ये एक छोटे कप से फुल कप मटर है। और बीन्स की फली, चार से पाँच बीन्स की फली को मैं मोटे मोटे पीसेस कट कर ली। टमाटे लिए हाफ के जी, आधा किलो टमाटे, लाल पके हुए टमाटे लेना। और टमाटे कम से कम इतने लेना, तहारी सूखी नहीं होती और अच्छी ग्रेवी वाली और अच्छी टेस्टी होती। टमाटो की क्वांटिटी को अच्छी रखना, बिल्कुल कम नहीं डालना टमाटे। अब गरम मसाले में ली हूँ शाहजीरा दो चाय के चम्मच, या 10 इलायची, ये चार दालचीनी के पीसेस है। और ये 7-8 लौंग है, आधों का हम पाउडर बना लेंगे, आधे खड़े मसाले वैसे ही डालेंगे। और 2 टेबलस्पून धनिया, ये तो रोस्ट करके रख ली मैं, जब चावल पकता रहता जब खड़े मसाले ये डाल देंगे। और बाकी के जो खड़े मसाले इसका पाउडर बना लेंगे। ये गरम मसाले को और धनिया को मिला के पाउडर बना लेंगे। अब इसमें गोश्त में डालेंगे 2 टेबलस्पून है नमक, और ये 2 टेबलस्पून के करीब है लाल मिर्ची। नमक मिर्ची आप अपने हिसाब से डालना। 1/2 टीस्पून है हल्दी, ये तीन चीज़ें डाल के मिला लेंगे पहले। अब इसको मैं हाथ से अच्छा से मिला लिया। अब इसमें दही डाल के मिला लेंगे। एक 15 मिनट तक इसको रख देना। दूसरा जो प्रिपरेशन है वो करने तक ये अच्छा गोश्त जो है सो मैरिनेट हो जाता है। अच्छा 15 मिनट 20 मिनट आराम से रख सकते हो आप, टाइम रहा तो साइड में रख के दूसरा प्रिपरेशन करने तक अच्छा सा गोश्त में टेस्ट आता, नहीं तो फीका रह जाता गोश्त। एक बर्तन ले ली जिसमें पकाना है, उसमें डाली 100 ml ऑयल डाली और प्याज डाल देंगे। इसमें डालें खड़े मसाले, इलायची का मुंह खोल के डालें, और थोड़ी सी डार्क बना प्याज। प्याज डार्क ब्राउन हो गई, अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अदरक। हरे मसाले में मैं एक कोथमीर का बंच ली और एक पुदीने का बंच ली, और 4 से 5 मिर्चों को पीसेस कर ली, और 2 लेमन। चलिए अदरक लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गया, हरा मसाला डालेंगे। हरा मसाला आधा आप डालेंगे, आधा बाद में चावल के साथ डालेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक। अब नमक चावल में डालने की ज़रूरत नहीं है, अभी डाल दे रही हूँ। टमाटे अच्छे से गल जाएंगे, ढाक के जल्दी ढाकने से जल्दी पकते टमाटरों को गलने के बाद भून लेंगे। अब इसमें डाल लेंगे गोश्त, ये टमाटे पूरे नहीं गले। टमाटे डालने से थोड़ी देर में मैं गोश्त डाल दी दही के साथ। दही टमाटे गोश्त सब एक साथ अच्छे से पक जाता और भुने भी जाता। एक 10 मिनट के लिए ढाक देंगे तेज फ्लेम पे, बीच में एक आध बार चेक करेंगे। 10 मिनट के लिए मैं तेज फ्लेम पे ढाक के 10 मिनट हो गए, और गोश्त को भी चेक कर लेंगे।
गोश्त तकरीबन गल चुका है, थोड़ा सा बाकी है, वो चावल के साथ गल जाता है। अब इसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे और जो हम धनिया पाउडर और गरम मसाला पीस के रखे थे वो भी डाल देंगे। एक 50% वेजिटेबल गलने तक इसको पका लेंगे और 50% चावल के साथ पक जाते हैं। चलिए वेजिटेबल डाल के थोड़ी देर रख ली, 10 मिनट रख ली और 50% वेजिटेबल गल गए और 50% पानी के चावल के साथ गल जाते। माशाल्लाह बहुत अच्छे खुशबू है। अब इसमें पानी डालेंगे, पानी को मैं साइड में रख दी गर्म होने के लिए। गर्म पानी डाल जल्दी पक जाता, टाइम ज़्यादा नहीं लगता। और पानी डालेंगे चावल का डबल, और चावल अगर ज़्यादा भीगे हुए हैं और या अगर नया चावल है तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लेना। चावल को जितना चावल लगे हम कोई भी चीज़ से उसका मेजरमेंट कर लेना, कर लेके उसका डबल लेते पानी। अगर ज़्यादा भीगे हुआ है चावल या नया है तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम कर लेना। अब इसमें हम डालेंगे लेमन जूस और जो हरा धनिया जो आधा बचा के रखे थे हरा मसाला वो भी अब डाल देंगे। अब इसको ढाप देंगे, चावल में अच्छे से उबाल आने तक इसको ढाप देंगे तेज फ्लेम पे। चलिए इसमें अच्छे से उबाल शुरू हो गया। अब इसमें पानी की क्वांटिटी जितनी डाली थी उसका आधा होने के बाद धीमा कर देंगे। चलो पानी थोड़ा आधा से भी बढ़ के थोड़ा, लेकिन चावल सख्त है, फ्लेम को धीमा कर देंगे। फ्लेम को धीमा करके 10 मिनट के लिए धीमे फ्लेम पर ढाप के इसको छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए मैं धीमे पे रख दी थी, 10 मिनट हो गए और माशाल्लाह अच्छे से दम हो गई। अब फ्लेम को बंद करके डिश आउट करेंगे। देखिए माशाल्लाह ये खिली खिली बनी। अब आपको ऐसा नरम दिखे, ये नरम नहीं है, ठंडी होने के बाद खिली खिली हो जाती। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू है इसकी और माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। चलिए मेरी स्पेशल तहारी की रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।